थंडर टिप्स चैनल आज आपके लिए लाया है एक शानदार मोटिवेशनल वीडियो। और मैं आपको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं दोस्तों, आप खुद ही मोटिवेटर हैं। अगर आज मोटिवेशन ना होता तो क्या आप इस ग्राउंड में, इस एकेडमी में होते? नहीं। मेरी बात होती रहती है आपके जो साहब हैं, आपके कोचेज हैं, और वो यही कहते हैं कि साहब ऐसी थोड़ी सी ललक लगा दो हमारे बच्चों में, क्योंकि प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली हम लगा रहे हैं, सिर्फ उनको और जज्बा आ जाए। और वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है कि जब हम फुल जोश में हों, एक पागलपन सवार हो, कहे का सिलेक्शन का। और सिलेक्शन हर आदमी को चाहिए। आज सामने एक सांप बैठा है, आपने उधर जाना है तो या तो उसको पकड़ोगे और या डर के पीछे भागोगे। पीछे भागने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, हमें तो सिर्फ जीतना है, जीतना। और जीत आपकी निश्चित है, इसमें भी कोई संशय नहीं। सिर्फ डिपेंड ये करता है कि हम जीत की तरफ बढ़ते कैसे हैं। जिस तरह हम सुबह बिस्तर से उठते हैं, ऐसा लगता है आज भी कोचिंग में जाना पड़ेगा, छुट्टी ना हो जाती आज, थोड़ा सा सिर में दर्द था। वो जो चीज़ है वो आपको मन भ्रमित करता है, दिल नहीं करता, मन बदमाश है। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाए कवि। रवि तो जो है छिप गया पत्तों के पीछे, लेकिन आपकी जो खुद की चेष्टा है वो इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि आप जीते। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि हम जीत के ही सिकंदर हैं। ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, भगवान ने हमें केवल और केवल जीत के लिए बनाया है। हम कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाते हैं अपने मौके से, अपनी चीज़ों से, क्योंकि ध्यान डाइवर्ट होना एक आम बात है, हर आदमी हो सकता है। तो जब आप करेंगे ध्यान डाइवर्ट तो आप टारगेट से भी हो जाएंगे डाइवर्ट। तो अपने को तो सिंपल और सिंपल ये चाहिए कि हम अपना जो दिमाग है वो फोकस रखें। आपका फोकस है इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सुपर फोकस का मतलब है, एक मैं किताब पढ़ रहा था, डीप फोकस, डीप वर्क। वो क्या करता है कि आपको सिर्फ ही बताता है कि आपने सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सोचना है, एक ही डायरेक्शन में, और वो है हमारा टारगेट। टारगेट आपने बना रखा है, ये फाइनेंशियल रीजन से भी है, देशभक्ति के भी रीजन से है, दोनों काम होते रहे उसका मुकाबला ही नहीं। इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन का सहारा लेना। जिसका आप सिर्फ भगवान को अगरबत्ती लगा दो, धूप लगा दो, वो एक मेडिटेशन का तरीका है, लेकिन मैं जो थोड़ा बता रहा हूँ वो है एक कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब आप सुबह उठे और एक बहुत बढ़िया अपना रिचुअल सिस्टम बना लो। 5:30 बजे तो आप यहाँ आ जाते हो, आप उठते कितने बजे हैं? 4 बजे। बहुत बढ़िया, 4 बजे के बाद आप जो कर रहे हैं मैं अभी नहीं पूछना चाहूँगा, लेकिन जो मैं चाहता हूँ वो करें, वो बहुत ज़रूरी है। आप सबसे पहले सुबह उठते ही तो अपने भगवान को धन्यवाद दें, जिसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। हे भगवान, हम आपके बच्चे हैं, आपकी चरणों की शरण में हैं, हमें ऐसी बुद्धि देना, ऐसी ताकत देना कि हम मंजिल मकसूद को पा जाएं। और आपने जो हमें दिया है हम खुश हैं, हमें कोई नाराजगी नहीं है, हमारे दोस्तों को, साथियों को, सबको जो है उनके मिशन में पार उतार देना। ये तो एक पॉइंट हो गया। उसके बाद आप गर्म पानी पिए। गर्म पानी कितना पीते हैं आप लोग? हाउ मच? कितना पीते हैं? जो 1 लीटर पीता है वो हाथ खड़ा करे जरा। 1 लीटर पीने वाला हाथ खड़ा करे। ये फिजिकली तो वो बताएं क्योंकि आपको दौड़ना पड़ता है, लेकिन मैं करीब करीब 1 लीटर पीता हूँ पिछले 10 साल से 15 साल से। 1 लीटर पानी पीने का मतलब कि आपका जो पेट की नसें हैं वो क्लियर होती हुई आप फ्रेशनेस के लिए जाते हैं। उसके बाद
आप अपने आप से प्रण करें अफर्मेशन। क्या अफर्मेशन? मैं सच्चा देशभक्त हूं, मैं अपने मुकाम पर पहुंच चुका हूं, चाहे नहीं पहुंचे लेकिन पहुंचा हूं। मुझे अपने अंदर सेल्फ बिलीफ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सेल्फ बिलीफ है। तो ये जब चीज आप करेंगे, और मैं सबसे प्यार करता हूं, मेरे पास प्यार की दौलत है, मेरे पास जोश की कमी नहीं है, मेरे पास अपने टारगेट को पाने के लिए पूरी पॉजिटिविटी की ताकत है, पॉजिटिविटी की ताकत। नकारात्मक सोच आना मतलब क्या नाम है, जरूरी है, आता ही है, लेकिन उसको पॉजिटिविटी से कन्वर्ट करना भी हमारी ताकत है। ओके, तो वो हमें करना है। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भावी सेना के सिपाहियों, आपके अंदर जज्बा जबरदस्त है, जो 4 बजे उठ रहा है, फिजिकल फिटनेस कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कोई इसको कमी नहीं आ सकती। सिर्फ और सिर्फ फोकस करना शुरू कर दो, और वो मेडिटेशन के थ्रू होगा। और मेडिटेशन का तरीका क्या है, जैसे आप बैठे हैं इसी तरह से बैठे रहिए, हाथ जोड़कर बैठ जाइए, और अपने ईश्वर को, जिसको भी आप मानते हैं, यहाँ पर ये जो दोनों आँखों के बीच का एरिया है, इसमें कंसंट्रेट करें। ये कंसंट्रेट करने के बाद आप पूरी तरह से भगवान के शरण में हैं। इसे आप शुरू में 5 मिनट करें, फिर धीरे धीरे 10 मिनट करें, फिर 15 मिनट करें, और जिस दिन आपको लगे कि आज मुझे पिक्चर देखनी है, कट मार दो उस पॉइंट पे, कुछ गलत बातें करनी है, कट मार दो उस बात पे, केवल और केवल भगवान के ध्यान में लग जाओ। जितना ध्यान यहाँ लगेगा, जो जिसको मानता है, अपने गुरु को मानता है, माता पिता को मानता है, भगवान राम, जिसको भी मानता है, यहाँ पे ध्यान केंद्रित करके बस उधर ध्यान इधर उधर जाएगा, फिर आ जाओ यहीं, फिर इधर उधर जाएगा, फिर ले आओ यहीं, दैट्स ऑल। दिस इज कॉल्ड 10वां द्वार ऑफ हिंदू कल्चर। यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या क्या दिखने लगेगा वो आप देख के बताओगे मुझे, हम 1 महीने बाद इस मुद्दे पे बात करेंगे। ये हो गया। फिर आपने यहाँ पे आगे, यहाँ पे मैदान में पूरा जोश दिखाया, और डोंट कंपेयर आपस में, कंपेयर विद योर सेल्फ कि कल आप क्या थे, आज आप क्या हैं। और जब आप ऐसा कर दोगे तो सोने पे सुहागा होने वाला है, आपको जीत मिलने वाली है। और जो यहाँ आ चुके हैं वो समझ लो कि उस पागलपन के सवार हैं, कि हमें तो अपने टारगेट में पार उतरना है, फिजिकल, प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल सारा आपकी एकेडमी करवा रही है। सिर्फ मैंने कहाँ चाबी लगाई है, गाड़ी सब तैयार है, सिर्फ उसमें पेट्रोल डाला है, डीजल डाला है, समझिए। और ये डीजल काम आने वाला है अपने को जिंदगी में। और मुझे खुशी क्या है, ये मैं क्यों सब आपसे फ्री में कर रहा हूँ, क्योंकि आपके नेक इंसान है जो आपको गाइड कर रहे हैं, और ये गाइडेंस थोड़ी सी आपको कहीं की कहीं ले जाएगी। एक, आप अपने समय का जो सदुपयोग है जबरदस्त ढंग से करें, जबरदस्त। हमें 86,400 रुपये डेली खर्च करने को मिलते हैं। ये कैसे मिलते हैं, 24 घंटे 60 मिनट उसके 60 सेकंड, अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 86,200 नहीं 86,400 ही बनेगा। एक एक क्षण कैसा बिता रहे हैं जिंदगी में भी, और ये एडमिशन होने तक आपने अपना आत्मविश्लेषण डेली करना है। राइट डाउन इन ए नोटबुक, मैंने क्या किया, मैंने उसकी बुराई क्यों की, उसकी बुराई क्यों की, मैंने प्यार की बात क्यों सोची। सिर्फ प्यार तो होना है आर्मी से, दैट्स ऑल, दैट इज आवर टारगेट, एंड फुल जोश। और जोश के बिना
सब बेकार है, सब बेकार है। जिंदगी में अगर जोश नहीं, जीने की तमन्ना, कुछ कर गुजरने की तमन्ना, जो मैं बार बार बोलता हूँ, अपने को उठा ले जाइए उस लेवल पे। भगवान ने हमारे अंदर जबरदस्त ताकत दी, असीम पावर, मिराकुलस पावर। सिर्फ ये डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे ले रहे हैं। मेडिटेशन आपने शुरू कर दिया, फोकस आपने शुरू कर दिया, अच्छी आदतें सारी हैं, तो बल्ले बल्ले, बाकी सब थल्ले थल्ले हैं। ओके, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि हम टाइम टू टाइम मिलते रहें, और आप हमें अपनी प्रोग्रेस भी, अपना जो एकेडमी का जो ग्रुप बना हुआ है, यू कैन सेंड। किसी का कोई पर्सनल क्वेश्चन है वो भी मुझे बता सकता है। हम आपके बड़े भाई, पिता के तुल्य होने के नाते वो भी आपका निवारण करने की कोशिश करेंगे, जैसा हमें हमारे सद्गुरु भगवान ज्ञान देंगे। बाकी तो हम आपकी तरह आम इंसान हैं, सिर्फ अपने लेवल को उठा कर ले जाइए। क्यों रवि साहब, सर अब रवि साहब को भी बताइए कि रवि साहब बहुत अच्छे, इनके कोच पूरी तन्मयता शक्ति से पेश आते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन आर्मी की पहली सीढ़ी होती है, और डिसिप्लिन आप सुबह 4 बजे उठ गए वहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है रवि साहब, सर तो आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, ऑल द बेस्ट। एंड आई वांट कि एवरीबॉडी शुड बी इन आर्मी। थैंक यू वेरी मच।